अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है तमाम दोस्तों के? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और उनके जानवर और परिंदे भी सब खैर खैरियत होंगे। अल्लाह आपको और आपके माल को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम जा रहे हैं जी तलागंग मंडी की तरफ। एक फरमाइश थी अकीके के लिए, हमने लेने बकरा, तो मैंने कहा चलो तलागंग मंडी जा तो वैसे रहे हैं, तो आप दोस्तों को तलागंग मंडी आज दिखा भी दें। तो यहाँ से हम मुड़ेंगे जी तलागंग बाईपास की तरफ। उस तरफ जाता है जी तलागंग शहर, ये हम मुड़े हैं तलागंग बाईपास। इसी बाईपास के ऊपर आपको मिलेगी जी मंडी। इस तरफ से आगे एक आएगा चौक, वहाँ से अगर आप राइट होते हैं तो फतेह जंग की तरफ एरिया आता है, और अगर वहाँ से आप लेफ़्ट होते हैं तो तकरीबन 4 से 5 मिनट की मुसाफत पर आ जाती है जी तलागंग मंडी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के निशान को भी प्रेस करें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो चढ़ाऊं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आप कोई भी मेरी वीडियो मिस ना कर सके। ये चौक आ गया जी। अभी मैं थोड़ा सा आगे जाते हैं जिधर वो ग्रीन कलर की सुजुकी है, उस तरफ से आपको उस तरफ मैं दिखाऊँगा लेफ़्ट साइड पे के फतेह जंग की तरफ रोड जाता है, और राइट साइड पे राइट साइड पे फतेह जंग की तरफ रोड जाता है, और आपने जाना है जी लेफ़्ट साइड पे। उस तरफ आपको तकरीबन 4 से 5 मिनट की मुसाफत के ऊपर आगे आपको आ जाएगी जी मंडी। ये रोड जाता है फतेह जंग की तरफ और ये जाता है जी मंडी की तरफ। इधर ज़रा रश है तो वीडियो में करता हूँ क्लोज, साथ ही रहिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बकरे शकरे आपको दिखाऊंगा और भी बाकी बातें जाके करते हैं जी मंडी में। क्या कहते हैं सारे बकरे जी 30-30 हज़ार में। सारे जी ये खसी बकरे हैं 30-30 हज़ार फीस पीस डिमांड कर रहे हैं। इसकी कितनी डिमांड ने? इसकी कितनी डिमांड ने? 160। बैक चेक करिए जी, माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत और भरे हुए। ये साथ में आपको दिखाता हूँ, ये जो आम होता है नॉर्मल ले ले, ये वो है, और इस साइड के ऊपर आपको फ़र्क वाजह नज़र आ गया हमें, माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत। ये एक है जी आंडल बकरा, माशाल्लाह खूबसूरत कलर है, बड़ा यूनिक सा कलर है, ब्राउन ब्लैक वाइट मिक्स, अच्छे कद काट का है, लंबाई भी अच्छी है, और फ्रंट भी मैं आपको दिखाता हूँ मुँह इसका, माशाल्लाह अच्छा मुँह है, तो फुट भी अच्छी है। ये असल में इसके करीब जाओ तो ये मारता है, तब मैं ज़्यादा करीब नहीं जा रहा। बाकी ये देखें एक गुलाबी, ये मेरे ख्याल में एक ही व्यापारी के हैं, बंदा तो साथ नहीं है। मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ बकरे, भाई आप देख लें शौक कर लें। हमारा मकसद यही होता है कि जो भाई घर बैठे हैं या मुल्क से बाहर हैं या शहर से बाहर हैं, उनको अपने शहर अपने एरिया की दिखाई जाए मंडी। माशाल्लाह इसका मुँह भी देखें फुल गुलाबी है, नाक का नाक माशाल्लाह वाइट है, भाई खूबसूरत। ऐसे बकरे मुझे बहुत पसंद है, पीछे से भी भरा हुआ ही लग रहा है, पुट माशाल्लाह अच्छी पुट है। ये कोर भी है साथ गाड़ी की बंदा हुआ जी गुलाबी, तो ये थोड़ा नॉर्मल है लेकिन अच्छा है, उम्र से तो पूरी लग रहा है बंदा है, अब आदमी नहीं है, साथ आदमी होता तो मैं इसका पता करता हूँ, माशाल्लाह है तो अच्छा। लो जी एक और राजनपुरी बकरा, ये इन्होंने किया हुआ खसी, ये भी किसी व्यापारी का है। असल में आज थोड़ी हमें आते हुए देर हो गई है, सुबह सुबह हम नहीं आए, तकरीबन हमें मंडी में पहुंचते हुए
साढ़े छः सात का टाइम हो गया था, तकरीबन सात समझ लेते उससे पहले ज़्यादातर व्यापारियों ने खरीदारी कर ली। लें जी आप देखें ये तेलंगाना के सफ़ेद लेले माशाल्लाह पूरे मुल्क में मशहूर हैं तेलंगाना के सफ़ेद लेले। अच्छी एक इनकी खास बात यह है कि रंग इनका बिल्कुल वाइट होता है, पेपर वाइट, और इनके कद और लंबाइयाँ माशाल्लाह देखने वाली होती हैं, बड़ी बड़ी बलाएँ इधर आती हैं माशाल्लाह। और को मैं आगे और भी दिखाता हूँ बड़े बड़े लेले माशाल्लाह जी, ये चेक करें पूरा बैल खड़ा हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला मालिक को नसीब करे, जो इसकी कुर्बानी करे उसको नसीब करे माशाल्लाह। डिमांड भी ये कर रहे हैं जी 2,30,000 रुपया एक लेले, क्योंकि बस एक ही है पठान है, लेकिन माशाल्लाह मेहनत आपको नज़र आ रही है, नस्ल आपको नज़र आ रही है। नस्लें हों तो इतनी बड़ी होती हैं, ऐसी हर चीज़ ही नहीं बड़ी होती। आप अगर टेढ़ी बकरी ले लेते हो तो बड़ा कहते रहे कहाँ से भरी होगी, नस्ल होगी नहीं बड़ी होगी माशाल्लाह। ये चेक करिए हमारी दो नज़र आए हैं, इतने भरे हुए तो नहीं हैं, लेकिन माशाल्लाह इनकी लंबाइयाँ चुड़ाइयाँ बहुत अच्छी हैं। जो लोग ब्रीडिंग का शौक रखते हैं उनके ये ईद हो सकते हैं माशाल्लाह। खूबसूरत चीज़ है। कितने का कह रहे हैं? 2,250। इसका कितना कह रहे हैं, कितना ले जाओ? इसका प्राइस का कह रहे हैं नहीं देना कितने का आया ना? 10 भाई जान मुंत का साखना मैं नहीं आ रहा ए पावना भाई जान का जा भाई जान लबरे जे नहीं लबरा दे 18 दे दवा चलो ये को बना ले वीडियो बना ले ओ 22 के पावने ने ओ पा ले चल हाँ जी15,000 गाय इसको पकड़ाते हैं, देखते हैं जी मानते हैं कि नहीं। 1,500 है और ले ले कुछ नहीं होता, हकीकत देना यार, बड़ा कुर्बानी लाना छोड़ दे रही। चलो 1,000 रुपये दे दे, 1,000 रुपये गिण तो सही उस्ताद जी, गिण तो सही गिण। पंद 11 12 13 14 15 16 नहीं बनता, चलो गाड़ी ले जी माशाल्लाह। मंडी के सबसे खूबसूरत बकरे जो मुझे लगे हैं, खूबसूरत लिहाज से वेट भी अच्छा है, रंग रूप भी अच्छा है, लेकिन पठान रेट नहीं बना रहा। 33,000 के ऊपर इसने गिरा लगाई हुई है, हमने इसको अब तक 32,000 भी पकड़ाया है, हमारी समझ में जो आता था जो हमारी गुंजाइश थी 32,000 हमने पकड़ाया है, कहते हैं नहीं 1,500 और ऊपर दो। माशाल्लाह खूबसूरत भरे हुए बकरे, नंते शनते कद शद तुम नज़र आ रहे हो कि बहुत खूबसूरत। लें जी राजनपुरी, आपको तेलंगाना मंडी में सफ़ेद बकरे बहुत नज़र आएंगे, जो यहाँ की खास बात है, इधर सफ़ेद और मक्खी चीने बहुत आते हैं। रेट शेड तो इनके मुझे नहीं पता क्योंकि ये किसी व्यापारी ने ले के रखे हैं, वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखें शौक करें। सफ़ेद बकरा आपको तेलंगाना में बहुत मिलेंगे, मक्खी चीने और सफ़ेद इन्होंने गाड़ियों के साथ। अगर आपने बकरे लेने हो तेलंगाना मंडी में तो आपको कम से कम सुबह 5 ज़्यादा से ज़्यादा 6 इतने बजे मंडी में होना चाहिए। लो जी हमने भी बकरा ले ही लिया आखिरकार। सॉरी इसकी वीडियो नहीं बना सका क्योंकि बहुत गर्मी थी, सर घूम गया था, तो मैं सोचा चलो गाड़ी में जाके बना लूँगा। ये देखें जी धुंधा है, ये मिला है जी 22.5 का। कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी होगी।